дорогим сердечком. हेलो बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं। आपके लिए आज बहुत कुछ नया सीखने के लिए है। अच्छा, आप अभी मुझे बताइए, आपने कहानी सुनी है? हाँ, दादी से, नानी से, मम्मी से आप अक्सर कहानियाँ सुनते होंगे। आज हम लोग कहानी बनाना सीखेंगे। अरे वाह, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए फिर देखते हैं हम लोग कैसे कहानी बना सकते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक डॉल है, एक वाटर बॉटल है, एक सूखा पेड़ है और एक ग्रीन। चलिए, तो ये सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक कहानी बनानी है। कहानी बनानी है, सही सुना है आपने। कैसे कहानी बनानी है, इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके कैसे करनी है, इनका सीक्वेंस हम अपने से किसी भी तरीके से अरेंज करके एक कहानी खुद से क्रिएट करेंगे। फर्स्ट आई विल शो यू अ डेमो। पहले मैं आपको एक डेमो दूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे इनका यूज़ करके स्टोरी बनाते हैं, फिर आपको ऐसे ही कॉपी करना है। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो मुझे सोचना था कि मैं शुरुआत किससे करूँ। अब इसमें से जो आपके जैसा है हम उससे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि ये डॉल। हम कुछ भी सपोज करके कहानी बनाते हैं, ठीक है। चलो सोचते हैं कि ये एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटी लड़की है, ठीक है। इसका नाम है कुछ भी, आप अपने मन से कोई भी अच्छा सा नाम देंगे। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ सोना, है ना प्यारा नाम, ठीक है। तो इस बच्ची का नाम है सोना। इस बच्ची की तरह सोना नाम भी क्यूट है। ओके, ये रही हमारी बच्ची। और तो ठीक है, मैं इसे अरेंज करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, फिर मैं कहानी स्टार्ट करूँगी। आपको भी ऐसे ही लेना है, सोचना है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं इसको साइड रख रही हूँ, अभी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, अभी इसे साइड कर रही हूँ। चलिए, हाँ, तो अब मैं कहानी बनाने जा रही हूँ, आपको सुनना है। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था सोना। वो रोज़ अपनी साइकिल पे बैठकर और अपने साथ अपनी वाटर बॉटल लेकर साइकिलिंग करने जाती थी। जाते जाते रास्ते में जब वो थक जाती थी तो वो अपनी साइकिल से उतरती थी और चल के एक सुंदर सा पेड़ था उसके नीचे बैठकर आराम करती थी और अपने साथ जो पानी लेके जाती थी उसको पीती थी और जो पानी बच जाता था उसे उस पेड़ में डाल देती थी और डालने के बाद फिर से अपनी साइकिल पर बैठकर वाटर बॉटल को अपने पीछे रखकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती थी। सोना अब घर की तरफ वापस चली गई, ठीक है। ऐसे ही वो रोज जाती, पानी देती, फिर से जाती और वापस घर चली जाती थी। ऐसे ही सोना रोज करती थी। एक बार क्या हुआ, सोना अपनी नानी के यहाँ चली गई। कैसे, सोना के स्कूल में छुट्टी हो गई थी तो सोना के घर वाले सोना को घुमाने नानी के यहाँ ले गए। जैसे आप भी जाते हो अपनी नानी के यहाँ, अपनी दादी के यहाँ, वैसे ही सोना अपनी नानी के यहाँ चली गई
और 2 महीने के बाद सोना वापस आई। जब सोना वापस आई, सोना ने फिर से वैसा ही किया। सोना फिर से साइकिल पर बैठी, ओके, सोना साइकिल पर बैठी, अपनी बॉटल रखी और फिर से साइकिलिंग के लिए चल दी। जाते जाते रास्ते में सोना ने देखा कि ये जो हरा वाला पेड़ था वो अब नहीं रहा। हरा वाला पेड़ अब नहीं है, अब वो पेड़ कैसा हो गया है? ऐसा। अब जब सोना ने ऐसा पेड़ देखा, सोना घबरा कर नीचे उतरी और सोना ने पहले तो पेड़ को देखा। पेड़ बहुत उदास था, बहुत परेशान था और बहुत बीमार भी था। सोना ने पेड़ से पूछा, पेड़ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? आप इतने उदास कैसे दिख रहे हो? आपकी पत्तियाँ कहाँ चली गईं? आपके फूल कहाँ चले गए? तो पेड़ ने उत्तर दिया, पेड़ ने आंसर किया कि क्या बताऊँ सोना, जब से आप नहीं आ रहे हो तब से मुझे कोई भी पानी नहीं दे रहा है। मेरे पास पानी नहीं है, मैं सूख चुका हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो सोना को बहुत दया आई। सोना को लगा कि हे भगवान, अब तो ये पेड़ मर जाएगा। बहुत घबरा गई सोना। सोना ने तुरंत अपना बॉटल उठाया और बॉटल से पानी, पूरा पूरा बॉटल पानी पेड़ में सोना ने डाल दिया। और अब जाके सोना को थोड़ा सही लगा कि चलो थोड़ा बहुत पानी तो मैंने पिलाया इस पेड़ को। फिर पेड़ ने सोना को बोला कि थैंक यू सोना, बहुत दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा पानी मिला है। लेकिन सोना को और एक चिंता थी। सोना ने सोचा कि मेरे अलावा सब लोग इस पेड़ से छाया लेते हैं। मैं भी जब साइकिल से आती थी, थक जाती थी, तो पेड़ की छाया के नीचे अपनी थकान मिटाती थी। और भी जो लोग जाते थे रास्ते से, वो भी पेड़ के नीचे बैठ के अपनी थकान दूर कर लेते थे। बट ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई भी पानी नहीं देता है। बेचारा अब तो मरने ही वाला था। थैंक गॉड मैं वापस आ गई नानी के वहाँ से। इतना सोच के सोना ने पेड़ को बाय किया कि चलो पेड़, मैं कल दोबारा आऊँगी और 2 बॉटल पानी लेके आऊँगी आपके लिए। फिर सोना साइकिल पर बैठी और चिंता में, टेंशन में अपने घर गई कि क्या होगा इस पेड़ का, पता नहीं ये पेड़ जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। दोबारा दूसरे दिन फिर से सोना गई और इस बार एक नहीं 2 बॉटल लेके गई थी। और सोना नीचे उतरी, बॉटल से पानी सोना ने डाला और फिर वो बैठ के घर वापस चली गई। ऐसे ही सोना ने पूरे 2 महीने किया, ठीक है। 2 महीने तक सोना ने फिर से यही वाला काम किया, पानी लेके जाती थी और पानी पेड़ को देती थी। एक दिन सोना फिर से अपने बॉटल को लेके पेड़ के पास फिर से 2 महीने के बाद जा रही थी साइकिल पे बैठ कर। तो साइकिल से सोना जा रही थी। अब साइकिल पे बैठ के सोना जा रही थी, सोना ने देखा कि ये जो पेड़ सूख गया था वो अब फिर से सुंदर सा हरा भरा हो गया है। सोना साइकिल से नीचे उतरी, सोना बहुत खुश हुई। सोना ने देखा, अरे वाह, ये मेरा पेड़ तो फिर से पहले जैसा सुंदर सा हो गया है, हरा भरा। और पेड़ ने बहुत सारा थैंक यू बोला सोना को कि सोना, आपकी वजह से मैं बच गया हूँ, मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो मरने ही वाला था। सोना को भी बहुत खुशी हुई। सोना को इतना अच्छा लगा कि मैंने एक पेड़ को मरते मरते बचा लिया है। सोना को बहुत अच्छा लगा। अब सोना जो अपने साथ पानी लाई थी, उसने पानी पिया और फिर से पानी डाला और खुश होके घर वापस लौटने लगी अपनी साइकिल पर बैठकर। तो अब सोना अपने घर पहुंच गई
और सोना अब कैसी थी? बहुत खुश, बहुत हैप्पी। तो ये रही हमारी स्टोरी, ये रही हमारी कहानी, है ना कहानी सुंदर। इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ को पानी देना चाहिए। अगर पानी पेड़ को ना मिले तो पेड़ मर जाएगा, और अगर सारे पेड़ मर गए तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए हमें सारे पेड़ को पानी देना चाहिए, जैसे इस छोटी सी बच्ची ने किया और मरते हुए पेड़ को जिंदा कर दिया। ऐसे ही आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर स्टोरी खुद से बनानी है। अब आप इस सामान के अलावा भी कुछ सामान इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपके घर में हो। अच्छा, ये तो मेरा दिमाग था, ठीक है, मैंने ये कहानी बनाई, और मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो क्योंकि आप क्लास 1 में आ गए हो, तो अब तो आप स्मार्ट बनोगे ही। तो अभी आपकी स्मार्टनेस शो करने का टाइम है, ठीक है, अब आपको अपनी स्मार्टनेस शो करनी है। कैसे? कहानी को क्रिएट करके, कहानी को बना के। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो आपके घर में इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं लीजिए और कहानी बनाइए, ठीक है। तो अभी आपके पास ये भी था, मेरे पास तो ये भी है। जैसे एक मेरे पास और चीज़ है, ये क्या है, क्या है ये, स्माइली, ठीक है। तो ये स्माइली अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के साथ इस स्माइली को भी कहानी में यूज़ करती तो मैं कहती कि लास्ट में मैं इसे ऐड करती और मैं कहती कि जब सोना ने पेड़ को हरा भरा देखा तो सोना बहुत खुश हो गई। ऐसे ही आपको कुछ कुछ सामान अपने घर से लेना है, ऐसे अरेंज करना है, और किसी भी सीक्वेंस में ना, किसी को लाना है, हटाना है, इधर उधर करके, जैसे भी आपको उन्हीं सामान के इर्द गिर्द उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ एक स्टोरी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने किया। आप मेरे जैसे सेम टू सेम करके कहानी बना सकते हो। आप एक साइकिल ले सकते हो, एक बॉटल ले सकते हो, और अगर आपके पास ढेर सारी डॉल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप था, सब साइकिलिंग करने जाते थे, और इस पेड़ की जगह आप इसे जंगल मान सकते हो कि वो लोग एक बार जंगल घूमने गए। इस पेड़ को आप कोई जो है पेड़ तो मान ही सकते हो, फ्लावर पॉट भी मान सकते हो, जंगल मान सकते हो, और गार्डन मान सकते हो, ठीक है। जो भी आपको ग्रीनरी से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आता हो आप उसे वो मान के स्टोरी बनाओ, ठीक है। ऐसा बना सकते हो कि सारे फ्रेंड्स जंगल गए थे, इसको दिखा के आप जंगल कह सकते हो, ठीक है, और जंगल में ऐसे भी पेड़ थे, ऐसे पेड़ थे, जैसे भी करके आपको कहानी अलग अलग बनानी है, और इस कहानी को बनाने के बाद में आपको सुनाना है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी इस कहानी के को क्रिएट करने में दिखाएंगे। होप यू विल क्रिएट योर ओन स्टोरी, ओके। सो डू दिस होमवर्क एट योर होम, ओके, एंड एन्जॉय दिस स्टोरी ऑल्सो। चलो, आप अपनी क्रिएटेड स्टोरी जो बनाओगे उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको अपनी स्टोरी बनानी है, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय बच्चों।